नमस्कार किशन भाई, आपके अपने चंद्र मकान की फार्म में एक बार सभी किशन भाई को स्वागत है। किशन भाई, मेरा मकान मरकान है, आपके लिए लेकर आया हूँ पीपरिया मंडी अपडेट। तो किसान पीपरिया मंडी अपडेट की बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके लगाने बताएं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना होगा। जो किसान भाई चैनल पर नए वो सबसे हाथ जोड़ के भेजें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और जिससे हमारी हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो किसान भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सोयाबीन की। तो सोयाबीन का जो भाव रहा किसान भाई वो 4691 रुपये से 4691 रुपये से लेकर 7200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं गेहूँ का भाव रहा पीपले मंडी में 1941 से 2180 रुपये प्रति क्विंटल। चना का भाव रहा 4100 से 4650। अलसी का भाव रहा 6000 से लेकर 6800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं सरसों का भाव की बात कर ले किसान भाई, सरसों का भाव रहा 6000 से लेकर 6310 रुपये प्रति क्विंटल। और धनिया की बात कर ले किसान भाई, तो धनिया का भाव रहा 800 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम बात कर ले किसान भाई पीपले मंडी में मसूर की, मसूर रहा 5001 रुपये से 6441 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात कर लेते किसान भाई वो पीपले मंडी की जान सबसे जो सबसे ज़्यादा आवक रहती है और जो सबसे ज़्यादा बिकती है तो किसान भाई लसन की। तो लसन पीपरा मंडी में 3200 से 5000 रहा फुल गोला माल। साथ ही बात कर ले किसान भाई लड्डू माल रहा 2000 रुपये से 2200 रुपये से 3200। और मीडियम माल रहा 1200 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। छल्ली माल 151 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें नीमच मंडी में देखने को मिला। तो किसान भाई ये थी सूर्य किसान पीपरा मंडी में। पीपरा मंडी अपडेट अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करना, बाद अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।